कोनिचिवा मिनासान, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने लास्ट जो वीडियो थी उसमें आपको मीना निहोंगो के चैप्टर फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया था, सारे पैटर्न्स आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। तो अब नेक्स्ट जो आपको स्टेप करना है वो है रेंशी बुक का एक्सरसाइज। तो उस रेंशी बुक की एक्सरसाइज जब आप करोगे तो वहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो उस टॉपिक का नाम है नंबर्स, जिसे हम जापानीज बोलते हैं सूजी। तो आज हम तीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा सूजी नंबर्स, यानी कि हम कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो ये नंबर्स हैं इनको हम जापानीज में कैसे बोलते हैं। सबसे पहला तरीका ये है, सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा। एंड देन सेकंड टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा डेट्स, यानी कि जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कि आज 1 तारीख है, 2 तारीख है, 3 तारीख है, ठीक है, तो इस तरीके से हम डेट्स को जापानीज में कैसे बोलते हैं। और थर्ड जो होगा हमारा लास्ट होगा टॉपिक वो है हमारा टाइम, यानी कि टाइम को हम कैसे जापानीज में बताते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको रेंशी की जो प्रैक्टिस बुक है उनको आपको लिखना पड़ेगा। तो वो आप तभी लिख पाओगे जब आपको उन सब चीज़ों की नॉलेज होगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर सीधे चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नंबर्स सूजी, जापानीज में इसको हम सूजी बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है 0। जापानीज में जो नंबर्स होती हैं, जो काउंटिंग्स होती हैं, उनको हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले 0 को हम 0 बोलते हैं, या फिर हम रे भी बोलते हैं, रे, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम इसे बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा 0 यूज़ होता है और रे भी यूज़ होता है, तो ज़्यादातर 0 यूज़ होता है, तो इस चीज़ को आप याद रखना, राइट। अब चलते हैं हम दूसरा, सेकंड है हमारा इची, ठीक है, यानी कि जो गिनती का जो पहला नंबर होता है उसे हम इची बोलते हैं। फिर उसके बाद नी, यानी कि 2 को हम नी बोलते हैं, 3 को हम सान बोलते हैं, 4 को हम यौन बोलते हैं, यहाँ पर थोड़ा स्पेशल है, 4 को हम यौन भी बोलते हैं और शी भी बोलते हैं, लेकिन इसका कुछ अलग स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि हम शी कहाँ बोलते हैं, यौन कहाँ बोलते हैं, वो आप आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि काउंटिंग्स जापानीज में बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर हर पर्टिकुलर चीज़ के लिए काउंटिंग्स को बोलने का तरीका अलग है। यह तो सिर्फ नॉर्मल काउंटिंग्स होगी इसलिए आप ये पढ़ रहे हो, पीपल्स के लिए, लोगों के लिए कि 1 लोग 2 लोग 3 लोग, उनके लिए अलग काउंटिंग्स है। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम गिनते हैं तो उसके लिए अलग काउंटिंग्स है, तो अलग अलग काउंटिंग्स है, वो हम आगे सीखेंगे। आज इस वीडियो में हम उसको नहीं इंक्लूड करेंगे कि बहुत ज़्यादा फिर होश पोश हो जाएगा आपके लिए। फिर इसके बाद है 5 को हम गो बोलते हैं, 6 को हम रोकू बोलते हैं, 7 को हम नाना और शीची, नाना या शीची, इन दोनों में से हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने 4 के लिए बताया था, इसके लिए भी सेम चीज़ यहाँ पर है। गिनती के वे में हम इसको नाना बोलेंगे और गिनती के वे में हम इसे यौन बोलेंगे। हाची यानी 8, एंड 9 को हम बोलते हैं क्यू, और यहाँ पर एक वर्ड और है कू, को भी हम बोलते हैं और क्यू भी हम बोलते हैं, गिनती के केस में हम इसे बोलेंगे क्यू को, राइट। तो गिनती केस वाले ये हैं जो मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर दिए हैं। अब यहाँ बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम 10, जू, 9 के बाद क्या आता है 10, ठीक है, और जापानीज में इसे बोलते हैं हम जू। अब ध्यान रखने वाली बात है कि जब मैंने जापानीज सीखी तो मुझे ही प्रॉब्लम हो रही थी कि यार कैसे मैं इसे याद रखूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो सबसे पहले आप ये काउंटिंग्स तो बहुत सिंपली याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। दूसरा, जब आप 10 की सीरीज़ में जाओगे ना, यानी कि जैसे आप 10 पे गए तो आपको याद रखना है जू, जू को 10 बोलते हैं जापानीज लैंग्वेज के अंदर। अब इसको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी ट्रिक याद रखने के लिए, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं देना। 2 को हमने क्या पढ़ा था, नी पढ़ा था ना अभी, 2 को हमने नी पढ़ा था, तो इसे ध्यान रखना। जब आप 20 बोलोगे ना तो कुछ नहीं करना, 20 में आपको नी यानी कि सेकंड, 2 को हमने नी बोला था, पढ़ा था, तो नी उठाओ और प्लस जू, नी और प्लस जू को ऐड कर दो, यानी नीजू, नीजू बना आपका 20। उसी तरीके से जब आप 30 पे जाओगे तो 3 के लिए हमने पढ़ा है सान और 10 के लिए क्या होता है जू, इन दोनों को जोड़ दो, सानजू यानी 30। उसी तरीके से योनजू यानी 40, गोजू यानी कि 50, रोकूजू 60, एंड नानाजू 70, हाचीजू 80, एंड क्यूजू 90, ठीक है। इसके अंदर की जैसे कि मैं 22 मुझे बोलना है सपोज, तो मैं इसे कैसे पढ़ूंगा, इसे मैं सिंपली पढ़ूंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे नीजू पढ़ा था ना इसे, तो सिंपली नी तो आगे आएगा ही आएगा, जैसे हमने यहाँ नीजू पढ़ा तो नीजू नी, ठीक है, नीजू नी को बोलेंगे हम 22। सपोज़ मुझे 34 बोलना है तो 30 के लिए हमने क्या पढ़ा था, सानजू, ठीक है, तो सानजू के आगे 4 है तो यौन लगा दो, सानजू यौन। सिंपल करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने बस इस चीज़ को समझना है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। जू है, ठीक है, अगर मुझे 12 बोलना हो या 30 बोलना हो तो जू नी बोल सकता हूँ या जू सान बोल सकता हूँ, पहले इसे रखना, उसके बाद में नंबर को रख देना है। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया। इसी तरीके से हम नीचे जाएंगे, क्यूजू 90, ठीक है। क्यूजू के बाद चलते हैं हम थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक पर, वो है आपका ह्याकू, यानी कि जब
आप 100 की सीरीज़ में आएंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, 100 को जापनीज़ लैंग्वेज में हयाकू बोलते हैं। तो जब हयाकू 100 को बोलते हैं तो बिल्कुल सिंपली इसी तरीके से आपको चलना है जैसे मैंने आपको बताया था, जू जू के साथ आपको 20 में क्या करना है, नीजू कर देना है, सानजू कर देना है। सेम इसी तरीके से आपको 200, 300, 500, 400, 500, 600, 700, इन सब में भी आपको यही करना है। 200 आएगा तो नी हयाकू कर देना, 300 आएगा तो सान ब्याकू, ये थोड़ा स्पेशल कैरेक्टर है तो इसको याद रखना आप, ये सान हयाकू नहीं होगा, सान ब्याकू होगा, ठीक है। 300, 400 है तो योन हयाकू, 500 है तो गो हयाकू, 600 है तो रोप्याकू, ये भी एक स्पेशल है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसको रोकू हयाकू नहीं बोलेंगे हम, रोप्याकू बोलेंगे। 700 को नाना हयाकू बोलते हैं, 800 को हम हप्याकू बोलते हैं, ये भी एक स्पेशल टर्म है तो इसको भी आप ध्यान रखना है, इसको हाकू हयाकू नहीं, हाची हयाकू नहीं बोलेंगे। देन इसके बाद है क्यू हयाकू यानी कि 900। तो ये हो गई 100 की सीरीज़। अगर मुझे इसके अंदर कोई एग्जाम्पल लिखना है, आप मुझे कोई भी नंबर बता दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 135 लिखा है तो इसको मैं बोलूँगा हयाकू सानजू गो, हयाकू सानजू गो, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। अब चलते हैं 1000 की सीरीज़ में यानी कि सेन। 1000 को जापानीज लैंग्वेज में हमेशा सेन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो प्रोनाउंसिएशन है इसके, सेन और इसेन। इसेन आपको नहीं बोलना, कुछ केसेस में इसेन बोल सकते हैं बट ज़्यादातर आपको सेन ही बोलना है। तो आप 1000 जब बोले तो सेन ही लगाना, 1000 केस में सेन। 2000 बोलना है तो नी सेन, 3000 बोलना है तो सान जेन, ये स्पेशल है, ठीक है, एक्सेप्शन है, इसको भी ध्यान रखना, सान जेन। इसके बाद है योन सेन, गो सेन, रोकू सेन, नाना सेन, हस सेन। हस सेन भी एक्सेप्शन है, ये भी स्पेशल कैरेक्टर है। तो कहने का मतलब यही है कि 1000 हो, 100 हो, कुछ भी हो, उसमें आपको सिर्फ आगे नी सान योन ये ऐड करना है और पीछे उसको सेन ऐड कर देना है, बस बात ख़त्म, सिंपली। अगर मुझे ये बोलना पड़े, कोई मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 4563 सपोज़ ये लिख दिया, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा जापनीज में, तो इसको मैं पढ़ूंगा योन सेन गो याकू रोकुजू सान, सिंपली मैं ऐसे इस तरीके से पढ़ूंगा। तो ये तो हो गई 1000 की सीरीज़ में। ये हम चले गए 9000 के बाद, यानी क्यू सेन के बाद क्या आता है, क्यू सेन के बाद 10000 को बोलते हैं हम इची मान, थोड़ा बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो आपको यहाँ तक समझ में आया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जूमान, जूमान हम कहाँ, इची मान होता है आपका 10000। तो अगर आपको 20000 बोलना है तो आपको इची मान नी मान हो जाएगा, साम मान, योम मान, गोमान, रोकुमान, रोकुमान, नाना मान, हाची मान, क्यू मान। फिर उसके बाद आता है जूमान, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। जूमान का मतलब होता है 1 लाख, ठीक है। अगर हमें बोलना है 2 लाख तो नी जूमान, 3 लाख सान जूमान, 4 लाख योन जूमान, 5 लाख यो जूमान, इस तरीके से लाख चलते हैं इसके अंदर, ठीक है। जू मान के आगे आपको नी सान योन ये सब ऐड करते चलना है। जब आप बात करते हो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, तो वहाँ पर ऐड हो जाता है आपका हयाकुमान। 10 लाख को बोलते हैं हयाकुमान और 20 लाख को बोलते हैं नी हयाकुमान, ठीक है। 30 लाख को बोलेंगे साम्ब्याकुमान एंड 4 लाख को योन हयाकुमान। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको इसी तरीके से आप नाना हयाकू, हप्याकुमान, ठीक है, एंड देन क्यू हयाकुमान। लास्ट में जब करोड़ आएगा तो करोड़ में लगाते हैं हम इसेन मान। मैंने आपको बताया था ना, जब यहाँ पर हम 1000 पढ़ रहे थे कि यहाँ पर आप इसेन कहाँ पढ़ेंगे, तो इसेन इस केस में आप बोलेंगे, ठीक है, इसेन मान। इसेन मान का मतलब होता है 1 करोड़, ठीक है। तो आपको करोड़ तक ही ध्यान रखना है, करोड़ से ज़्यादा वैसे ज़्यादा आपसे काउंटेंस का काम वैसे ज़्यादा होगा नहीं, करोड़ से ऊपर। तो बाकी अगर आपको करना है तो आपकी एक्सरसाइज के अंदर वो दे रखा है। स्टार्ट करते हैं हमारे डेट्स की, हम डेट्स को किस तरीके से बोलते हैं जापनीज के अंदर। तो ये एक्सरसाइज में दी रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिख के बता रहा हूँ इनको बोलने का तरीका क्या है और इसमें कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले जब हम डेट आती है ना, 1 तारीख को हम बोलते हैं स्वीताची, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ को बोलते हैं हम स्वीताची। 2 तारीख को बोलते हैं हम फुत्सुका। 3 तारीख को बोलते हैं हम मिक्का। 4 तारीख को बोलते हैं हम योक्का। 5 को बोलते हैं इत्सुका। 6 को बोलते हैं मुइका। 7 को बोलते हैं नानोका। 8 को बोलते हैं योका। एंड 9 को बोलते हैं कोकोनोका। एंड 10 का बोलते हैं तोका, ठीक है। इतना समझ में आया तो डिफरेंस पता चल रहा है ना, वहाँ काउंटिंग्स जो अभी हमने करी थी पहले उसमें और इसमें फ़र्क है। तो उसी तरीके से काउंटिंग्स में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, वो आप आगे सीखोगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 11 को। तो 11 को बोलते हैं हम जू इची नीची। यहाँ ये सिंपल है, ये स्टार्टिंग के 10 आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से, ठीक है। 11 को बोलते हैं जू इची नीची। 12 को बोलते हैं जू नी नीची। 13 को जू सान नीची। 14 को बोलते हैं जू योका। ये स्पेशल है, ये आपको याद रखना है, योग का ये वाला है, ठीक है, जू योग का। 15 को जू गो नीची। 16 को जू रोकू नीची। 17 को जू शीची नीची। ये स्पेशल है, काउंटिंग्स के टाइम पे मैंने आपको बताया था ना कि नाना और शीची बोलते हैं, तो वो शीची यहाँ पे यूज़ करेंगे हम डेट के केस में, ठीक है।
इसके बाद चलते हैं हम जू हाची नीची, सिंपल है। जू क्यू नीची, वहाँ पे क्यू था यहाँ पे कू है, तो जो जू कू नीची आ जाएगा। ये क्यू नहीं है, ये कू है। 9 में मैंने आपको बताया था क्यू और कू दो लिखे थे वहाँ पे, देखना एक बार आप रिवाइंड करके। तो यहाँ पर जू कू नीची हम लिखेंगे के यू, ठीक है। एंड 20 स्पेशल है, इसे बोलते हैं हम हात्सुका, ये एक्सेप्शन है, इसको भी आपको याद करना है। तो डेट्स में ये सारी डेट्स है, इस तरीके से हम डेट्स बताते हैं। नीजू इची नीची यहाँ पर हो जाएगा, नीजू नी नीची, नीजू सान नीची, नीजू योक्का सेम 14 की तरह, ये भी नीजू योक्का बोला जाएगा। नीजू गो नीची 24, 26 को नीजू रोकू नीची, नीजू शिची नीची ये भी 27 जो है बिल्कुल 17 की तरह बोला जाएगा। नीजू शिची नीची 28 को नीजू हाची नीची, 29 को नीजू कू नीची, जैसे मैंने अभी 19 में बताया था, ये क्यू नहीं इसको कू बोला जाएगा, नीजू कू नीची, सांजू नीची एंड सांजू इची नीची, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम टाइम की, यानी कि टाइम को हम जापान में जापनीज में किस तरीके से बताते हैं उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखे हैं आवर्स और इधर की साइड मैंने लिखे हैं मिनट्स। तो किस तरीके से हम आवर्स को बोलते हैं और किस तरीके से हम मिनट्स को बोलते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जब हम बात करें जैसे कि वन के लिए हम इची जी यूज़ करते हैं। इची जी ये 1 o'clock है, ठीक है। 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, इस तरीके से चल रहा है। तो वन के लिए हम इची जी बोलेंगे। अगर जैसे टाइम हुआ हो कि 1 o'clock है तो इची जी दिस, ठीक है। इची जी का मतलब हो गया कि 1 बज गया है। निजी दिस, निजी का मतलब हो गया 2 बज गए हैं, ठीक है। तो जब आपको किसी को बताना है कि इस टाइम टाइम कितना हो रहा है तो आप सिंपली लिखोगे निजी दिस, इसका मतलब हो गया कि भैया निजी दिस, इसका मतलब हो गया कि अभी 2 o'clock हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से सांजी दिस, योन जी दिस, सॉरी यो जी दिस, योन नहीं बोलेंगे हम इसे, यो बोलेंगे, ये एक्सेप्शन है थोड़ा, इसका ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कन्फ्यूजन हो सकती है गिनती में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली ध्यान रखना। गोजी रोकू जी नाना नहीं बोलेंगे, शीची जी बोलेंगे, ध्यान रखना। 7 o'clock को शीची बोलते हैं हम, ठीक है। फिर हाची जी क्यू जी नहीं बोलेंगे, इसको भी कू जी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जू जी, जूची जी, जूनी जी। अब बात करते हैं हम मिनट्स की। तो मिनट्स में जैसे ये प्रोनाउंसिएशन है, इसी तरीके से 11 की सीरीज़ में और 21 की सीरीज़ में भी ऐसी चलेगा। वन को बोलते हैं इप्पुन, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 1:01 हुआ है, इची जी इप्पुन दिस, इची जी इप्पुन दिस, यानी 1:01, ठीक है। उसके बाद आता है नीफुन, यानी कि 1:02, इची जी नीफुन। इसके बाद आता है 3 मिनट, 1:03 हो चुके हैं, तो इची जी सामपुन, हम इसे इस तरीके से लिखेंगे इची जी सामपुन, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं 1:04 हो गए, इची जी योनफुन, और 1:05 हुआ है, तो इची जी गोफुन, समझ में आ गई बात। इसी तरीके से रोपुन, नानाफुन, हापुन, क्यूफुन एंड जुपुन। 1:10 हो रहे हैं, तो इची जी जुपुन दिस। 1:15 हो रहे हैं, जू गोफुन दिस, 15 मिनट हो रहे हैं ना, तो 15 के लिए 10 जुपुन हो गया, तो जू और प्लस गोफुन, तो जू गोफुन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए मैं आपको प्रॉपर ये नहीं बता रहा आगे का। आप प्रैक्टिस करिए, अगर कोई कुछ फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछना कि इसको हम क्या बोलेंगे, मिनट्स को 18 को हम क्या बोलेंगे, तो इची जी जू हापुन दिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हापुन है तो हापुन हो जाएगा। अगर 28 मिनट हो रहे हैं, 1:28, तो इची जी नीजू हापुन दिस, ठीक है। इस तरीके से हम बताते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और ये सारी चीज़ आपके रेंशू बुक में यूज़ होंगी, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को देखें, क्योंकि मेरी पूरा अटेंड मेरा ये है कि मैं आपको सारी चीज़ A to Z सारी आपको प्रोवाइड करा सकूं, और इसके लिए आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर आपको फिर लगे कि भाई हाँ मैंने वाकई में थोड़ी बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अदर जो है वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो आज की इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।